अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, थोड़ी सी ये कीज का मसला था। फेसबुक लाइव की जो है ना, यहाँ पे सेट नहीं हो रही थी। आज मैं कोशिश करूँगा कि एक सेंसर रजवरी पाई के साथ चेंज कर सके, और अगर खुशकिस्मती से उसने कोई रीडिंग भी दे दी तो फिर आगे की भी सोचेंगे। यही वो चीज़ें हैं जो कि ये जो स्मॉल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स हैं, इसको बिल्कुल मुख्तलिफ करती है हमारे आम डेस्कटॉप कंप्यूटर से। डेस्कटॉप कंप्यूटर से ये काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो आज हम करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये कल वाली वही वो है जो हमने पहले वो की थी, एसडी कार्ड उसमें बर्न करके रजबरी पाई में लगाया था और फिर बूट किया था। ये आपको वही सिस्टम नज़र आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने अब जो है ना कुछ सेंसर यहाँ रखे हुए हैं। ये सेंसर जो है ना, बेसिकली आपको जो नज़र आ रहा है, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ये इस तरह के ये दो टाइप के सेंसर्स मिलते हैं। एक ये है और इसको कहते हैं DHT11, और एक ये दूसरा है, ये जो है ना वाइट जो मैंने लगाया हुआ है, इसको कहते हैं DHT22। ये दोनों सिमिलर है तकरीबन, एक तरह से एक्सपेंसिव है, एक चीप है, और दूसरी बात ये है कि एक की एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी है और दूसरी की कम है, और एक का टेम्परेचर का रेंज जो है ना कम है और दूसरे का ज़्यादा है। आपको इस किस्म के जम्पर वायर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुख्तलिफ किस्म के उसके इसमें आते हैं। ये फीमेल टू फीमेल है, इसमें मेल और मेल भी आते हैं और मेल और फीमेल भी आते हैं। आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप काम करेंगे तो बढ़ेगा काम आपका, और इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। जब आपको कोई सेंसर मिले तो सबसे पहला काम ये क्या करें, एक गूगल में उसका नाम दिया करें और उसकी स्पेक्स को चेक किया करें कि उसके स्पेक्स क्या हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं वो दिखा सकूँ। ये जो है ना, हम कोशिश करते हैं, ये दफ़ा भी गड़बड़ हुई थी, इस दफ़ा नहीं होनी चाहिए। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस सेंसर का नाम लिख रहा हूँ, बल्कि पहले से लिखा हुआ पड़ा है, DHT11 स्पेक्स स्पेसिफिकेशंस। तो अगर मैं ये दूंगा तो ये मुझे बता देगा। बहुत जल्दी निकल आते हैं इस किस्म की चीज़ें। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 3.5 वोल्ट से लेकर के 5.5 वोल्ट तक है। ये वाला जो सेंसर है, ये दोनों अर्डविनो और रजबरी पाई दोनों पे चल जाता है। अर्डविनो पे ये 5.5 पे या 5 वोल्ट पे चलेगा, और रजबरी पाई पे 3.3 पे चलेगा। ये जो है ना, आप इसकी वोल्टेज ज़रूर नोट किया करें, इसलिए कि इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर वोल्टेज गलत हो तो आप नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने डिवाइस को। ऑपरेटिंग करंट इसका 0.3 mA है, जो बहुत ही कम है, और अगर ये मेजर कर रहा हो तो उस वक्त ही करंट ड्रा कर रहा होता है, लेकिन अगर उसमें वो हो, ये सिर्फ स्टैंड बाय मोड में हो, तो फिर तो बहुत ही 60 μA करंट ड्रा करता है, तो ये बहुत ही कम खर्च करता है। इसी तरह इसमें जो है ना, ये आउटपुट का डेटा जो है इसका, वो सीरियल फॉर्म में आता है। टेम्परेचर की रेंज इस वाले की, ये जो DHT11 है, ये 0 से लेकर 50 डिग्री तक है, और ह्यूमिडिटी रेंज इसकी 20% से लेकर के 90% तक है। ये जो है ना, एक्यूरेसी इसकी ±1%, और ये ह्यूमिडिटी की ±1% है, और टेम्परेचर की ±1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह की डिटेल्स आप ज़रूर जो है ना चेक किया करें, जो भी सेंसर आप लगाएं किसी भी डिवाइस के साथ, तो उसके ये मुख्तलिफ किस्म के जो डेटा है ये पढ़ करके लगाया करें, अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ का भी बताते चलूँ कि ये जो ये
जो आपका वो है, सॉरी 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 भाई, आपको स्क्रीन जो नज़र आ रहा है मेरा ख्याल है वो ये नहीं है जो दिखना चाहिए था। हाँ ये मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, एक मिनट सर, अब आ रहा है आपको, अब आपको आ रहा है जो है ना। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका DHT11 का स्पेसिफिकेशंस है, ये 3.5 से लेकर 5.5 तक है। और ये जो इसका वो है मुख्तलिफ डेटा दिया हुआ है, टेम्परेचर का जो और ह्यूमिडिटी का रेंज जो है ना चेक किया करें, इसका रेंज 0 से लेकर 50 डिग्री तक है और ह्यूमिडिटी का रेंज 20 से लेकर के 90%। तो ये डेटा ज़रूरी है। और इसके साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे आपके पिन्स जो है ना आपको नज़र आएंगे, मैं आपको ये ओरिजिनल पिन्स भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, एक मिनट, ये जो मल्टीपल स्क्रीन्स हैं ना ये मसला देती है, ये पिन्स हैं इसके जिसमें कि तारों ने जाना है, ये देखें ना ये तार इसमें लग जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे एक जगह पे लिखा हुआ है VCC, दूसरी जगह लिखा हुआ है ग्राउंड और तीसरी जगह लिखा हुआ है डेटा। तो जो आपका VCC है उसमें आपने वो वाली तार देनी है जो कि वोल्टेज में जाएगी, और जहाँ पे ये ग्राउंड लिखा हुआ है वो उसमें ये दूसरा तार, जो भी हो कलर बेशक जो है ना मुख्तलिफ भी हों लेकिन वहाँ पे फिर मैच करने पड़ेंगे जब आप इसको लगाएंगे उसमें, ये इसमें चला जाएगा और डेटा वाला बीच में है तो बीच वाला बीच में लगाना पड़ेगा। अब ये जो तार हैं अगर ये उल्टे हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये डिवाइस बच जाए। मैं ख़ुद जो है ना एक दो दफ़ा जला चुका हूँ ये सेंसर्स को, तो अगर गलत तो वोल्टेज वो दे दिया तो बाज़ में प्रोटेक्शन तो होती है और बाज़ में प्रोटेक्शन नहीं होती तो थोड़ी ही देर में उससे धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये वाला जो है ना मैं लगा चुका हूँ पहले ही से, इसका ये जो है ना यहाँ लिखा हुआ है नज़र आ रहा है कि एक इसमें जो है ना माइनस मार्क लगा हुआ है जो कि नेगेटिव को शो कर रहा है और दूसरा उसमें पॉजिटिव मार्क लगा हुआ है जो पॉजिटिव वोल्टेज को शो कर रहा है और बीच वाला डेटा गया है। तो ये तीन तारें इसमें लगी हुई हैं। सवाल ये पैदा होते हैं कि ये वहाँ पे रसबरी पाई में कहाँ जाएंगी, यहाँ पे तो हमने लगा दी। अब रसबरी पाई में जो जाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पे ले आऊँ। और ये जो है ना ये हटा देता हूँ, और ये आ गया। ये जो है ना ये सारे पिंस की रसबेरी पाई की कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह के चार्ट्स आपको गूगल से मिल जाते हैं, आप इसमें सिर्फ इतना लिख दें कि रसबरी पाई का मॉडल नंबर भी बेशक लिख दें, रसबरी पाई 3 और पिन आउट, अगर आप पिन आउट साथ लिखते हैं तो ये इस तरह के इमेजेस बेतहाशा हैं वो निकल आएंगे। इसमें से कुछ तो है बहुत डिटेल्ड है, कुछ जो है ना ज़रा थोड़े से कम डिटेल्स के साथ हैं। सारे पिन्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी हुई है कि कौन से पिन ने क्या करना है, बाज़ बड़े मुश्किल किस्म के काम करते हैं ये पिंस। तो अभी तो हमने सिर्फ ये चेक करना है कि हमें वोल्टेज और ग्राउंड का पिन मालूम होना चाहिए ताकि हम अपने डिवाइस को और अपने सेंसर को प्रॉपर वोल्टेज और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकें। ये 3.3 वोल्ट DC का पावर का पिन है ये वाला, ये पिन नंबर 1 है। तो हम अगर 3.3 इसको दे दें तो बड़ा सेफ वोल्टेज है, इसलिए कि ये जो सारे पिन्स हैं रसबरी पाई के ये 3.3 वोल्ट से चलते हैं, तो जो वापस डेटा आएगा वो भी 3.3 वोल्ट के रेंज में आएगा, तो कोई पिन डैमेज नहीं होगा। ये वाला 5 वोल्ट का है, अगरचे ये सेंसर जो है ये 5 वोल्ट से भी चल जाएगा, लेकिन अगर हमने 5 वोल्ट के पिन में इसका वो दे दिया तो उसमें से डेटा का पिन जो वापस डेटा लाएगा वो 5 वोल्ट पे आएगा और वो फिर इन पिन में से किसी एक पिन को डैमेज कर सकता है।
तो अभी फिलहाल हम जो है ना इसको पिन वन को जो कि 3.3 वोल्ट का है वो इसके जो आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका ये वाला है ये देखें, ये यहाँ पे पिन वन में मैंने दिया हुआ है, ये जो थोड़ा सा पिंकिश कलर का है पर्पल किस्म का वो यहाँ पॉजिटिव से आया हुआ है और पॉजिटिव से पिन वन में गया हुआ है। तो ये आप हमें 3.3 वोल्ट्स इसको सेंसर को दे रहा है। और ग्राउंड जो है ना इसका आपको यहाँ नज़र आएगा, ये ग्राउंड है। तो इसके पिन जो है वो थोड़े से इस तरह से रिदमिक किस्म के हैं कि अगर ये पिन वन है और ये टू है तो फिर थ्री ये है और फोर ये है, फिर फाइव ये है और सिक्स ये है और सेवन ये है और एट ये है, इस तरह से चलते हैं, ये 40 पिन तक आ जाते हैं। तो ये पिन वन था तो टू को छोड़ दें, वो फाइव वोल्ट का था थ्री को भी छोड़ दें, वो इस तरह GPIO का है, और ये चार को भी छोड़ दें, पाँच को भी छोड़ दें, छठा पिन जो है वो ग्राउंड का है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये ग्राउंड है। तो छठा पिन जो है ना जो ग्राउंड का है उसके ऊपर हम आ जाते हैं, ये यहाँ पे नोट कर दें इसको। ये जो ये वाला जो पिन वन था जिसके साथ हमने तार लगाया, और ये वाला जो है ना ये पिन पिन नंबर टू थ्री और फोर को छोड़ करके, पाँच को भी छोड़ करके, छः के साथ ग्राउंड है। तो अगर ग्राउंड और 3.3 इसको मिल जाए तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं फिर से इसको स्क्रीन को बदल देता हूँ, ये आप देखें इसको, तो ग्राउंड का पिन यहाँ वाइट है और वाइट पिन जो है ना यहाँ आया हुआ है, इसमें हमने पिन सिक्स में दिया हुआ है जो कि ग्राउंड है। डेटा वाला पिन के साथ जो है ना थोड़ी सी और एहतियात की ज़रूरत होगी। यहाँ पे ये जो जिस पिन के साथ GPIO लिखा हुआ है इसका मतलब ये है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। तो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के पिन काफ़ी हैं इसमें, किसी भी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन के साथ ही हम लगा सकते हैं ये डेटा वाला पिन। यहाँ पे जो है ना मेरा ख्याल ये है कि मैंने पिन सेवन के साथ लगाया है, और इस पर भी आप एहतियात करें कि ये जो पिन के नंबर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि GPIO के भी वही नंबर हो, तो और ये बड़ी कन्फ्यूजन का बाजू का डाल देती है। ये जो यहाँ पे GPIO 4 ये है और ये वाला पिन है इसका, और इधर GPIO 7 जो है ना भी है और सात पिन नंबर भी 7 है, ये वाला पिन 7 है। अब ये पता नहीं कौन से के साथ मैंने लगाया है, मैं देखता हूँ, ये 1 2 एक सेकंड, हाँ 1 2 3 4 और 5 6 और 7 के साथ लगा हुआ है, हाँ पिन 7 के साथ लगा हुआ है। तो ये ज़रूरी है इसलिए कि फिर कोडिंग में हमें इसके नंबर चाहिए होंगे कि कौन से GPIO पिन के साथ डेटा आ रहा है, डेटा फिर इसी पिन से हमें वसूल होगा। तो यहाँ पे आप एक मिनट सर, इसको ये वो था, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, पिन वन के साथ हमारा पॉजिटिव का तार लगा हुआ है और पिन सिक्स जो कि ग्राउंड है इसके साथ हमारा नेगेटिव का तार लगा हुआ है, और पिन सेवन के साथ जो है ना GPIO 7 और पिन का नंबर भी 7 ही है इत्तेफाक से, इसके साथ हमारा डेटा का तार लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है। अब ये तारे हो गई, हमारा जो है ना ये 1, ये मैं नहीं लगाना चाहता था, ये थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ करता है, कम स्पेक्स का है। अभी देखते हैं कि कोडिंग में क्या करना है। अब रसबेरी पाई में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमें नज़र आना चाहिए और उसी में सारी कोडिंग होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी सेंसर्स होते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स जब बनाते हैं तो साथ इसके लिए एक एक्सेस की लाइब्रेरी भी बना देते हैं, तो उस लाइब्रेरी से हम जो है ना इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि वो लाइब्रेरी किस तरह से इधर आ सकती है ना, और हम कैसे उसको वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा खासा थोड़ा सा ये कोडिंग वाला मसला है,
लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, इससे जो है ना आप ये इसमें जाएं आप, ये वो है। और मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एक स्लाइड बना दूं इसके उसका, लेकिन स्लाइड से बेहतर ये है कि गूगल में जाएं, गूगल में जो है ना हमें मिल जाएगा कि कौन सी लाइब्रेरी जो है ना ये DHT के जो टेम्परेचर है उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसका इसकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इसकी लाइब्रेरी है उसमें सबसे जो मशहूर है वो एडाफ्रूट की है। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ कि लाइब्रेरी पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन में कोडिंग होगी तो पाइथन लाइब्रेरी फॉर DHT 22, ये देखे ना वही वो एडाफ्रूट वाली है, एडाफ्रूट पाइथन DHT पाइथन लाइब्रेरी टू रीड नाउ। ये गेटहब पे मिलती है, ये बहुत मशहूर वो है साइट है और वहीं से डाउनलोडेबल है। यहाँ पे मैं आपको वो मशवरा दूंगा कि आप इसको जिप मत डाउनलोड करें, बल्कि जो गेटहब का प्रॉपर तरीका है उस तरीके से इसको इस्तेमाल करें। यहाँ इसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे पहले तो इनफैक्ट ये ऑपरेशंस करने हैं, इसलिए कि जब भी आप कोई सेंसर इस्तेमाल करेंगे या कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे या वो लिखेंगे तो आपको डिपेंडेंसीज कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पहले से मौजूद होनी चाहिए ताकि जब आप अपना कोड लिखें तो वो कोड आपका प्रॉपर ही चल पड़े। अब हम जब उसमें वो करते हैं, पाइथन में काम करते हैं, तो दो जो स्टैंडर्ड किस्म के प्रोसीजर्स हैं वो ये हैं कि आप लिख दें यहाँ पे sudo और apt get भी साथ लिखते हैं अगर चाहिए, अब नहीं रखा जाता, और अपडेट, ये अपडेट होता है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है अगर कोई इसमें किसी पैकेज में अपडेटिंग हुई है तो इसमें आ जाएगी। फिर इनफैक्ट जो है ना दूसरा स्टेप इसका अपग्रेड का होता है, वो भी ज़रूर करना चाहिए। वो कल हमने इग्नोर किया था, स्किप किया था, फिर बाद में मैं कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप अपग्रेड कर दें तो अगर कोई ऐसा पैकेज जो कि थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है तो वो भी आएगा। वो अक्सर बड़े बड़े होते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो मैं उस स्टेप को मैं छोड़ देता हूँ। और फिर अगर आप यहाँ पे इसको चेक कर लें जो मैंने आपको बताया, इसमें वो गूगल वाली स्क्रीन पे ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है sudo apt-get install python pip, फिर है sudo python -m pip install minus minus upgrade pip setup tools wheel। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस और कुछ ऐसे वो हैं जो कि इसकी डिपेंडेंसीज होती हैं, जब तक कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो आपकी लाइब्रेरी सही चलेगी नहीं। ये मैं इत्तेफाक से कर चुका हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए कि थोड़ा सा ही टाइम लेते हैं। और फिर जो है ना आखिर में यहाँ पे आपको मिलेगा इसका पूरा कोड एग्ज़ाम्पल का। अच्छा, GIT जो है ना गिटहब से ये डाउनलोड करना पड़ता है, तो ये मैं कर चुका हूँ आपके लिए। आप फिर उसके बाद जो है ना अगर चाहें तो इस पेज पे जा करके और एडाफ्रूट की जो वो हैं वो तफसील से देख सकते हैं हाउ टू डू इट, और यही स्टेप्स हैं जो मैंने किए हैं यहाँ दिए हुए हैं। कुछ कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि बेसिकली वो अवेलेबल नहीं है।
अच्छा, ये जो लाइब्रेरी है, गिटहब के रिलीज पेज है जिसके ऊपर ये पूरी डिपॉजिटरी है इसकी और ये पड़ी हुई है, इसमें इनफैक्ट जो है ना, एक उसमें ऐसा है जिसमें कि एग्जांपल प्रोग्राम्स भी हैं। वो एग्जांपल प्रोग्राम्स अगर आप चला सकें तो आपको जो है ना बहुत फ़ायदा होगा उसमें। वो उसी से इनफैक्ट बहुत सारी वो आ जाती हैं अंडरस्टैंडिंग के हाउ एक्चुअली दीज लाइब्रेरीज आर एक्सेस्ड और हाउ इनफैक्ट ये प्रोग्राम है। ये वाला प्रोग्राम जो है ना, ये इम्पोर्ट, जैसे कि आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हैश इंक्लूड्स लिखते हैं, इसी तरह आप पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें इम्पोर्ट करेंगे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस और मुख्तलिफ किस्म की लाइब्रेरीज। यहाँ पे ये टाइम के लिए इन्होंने इम्पोर्ट किया है टाइम को, और बोर्ड को इम्पोर्ट करने के लिए, अगरचे हम सिर्फ एक ही बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और एडाफ्रूट DHT की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया हुआ है जो कि पूरी लाइब्रेरी है। ये फिर जो है ना, ये वाला जो सेंटेंस है, ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि ये वाला सेंटेंस कम्प्लीटली जो है ना DHT की उसको एक्सेस करता है लाइब्रेरी से। ये जो डिवाइस है, ये जो टेम्परेचर मेजर करता है उसको एक्सेस करता है। ये सिंपल प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है कि टेम्परेचर को आप पहले उससे निकाल दें, ह्यूमिडिटी निकाल दें, और फिर दोनों को प्रिंट कर दें, और इसमें कुछ टाइम स्लीप का भी दिया हुआ है कि थोड़ी थोड़ी देर में। ये सेंसर जो है तकरीबन एवरी 2 सेकंड्स आपको डेटा देगा, तो वो काफ़ी तेज़ होता है वो डेटा, और वो जो है ना रिकॉर्ड करना उसका थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मैं आपको इस वक्त तो सिर्फ यही बताऊंगा कि आप जो है ना इसको मैं देखता हूँ कि ये प्रोग्राम जो था, ये देखो एडाफ्रूट पाइथन DHT की लाइब्रेरी से डाउनलोड हुआ था, वही प्रोग्राम है, मैंने इसमें कुछ खुद नहीं किया है। और ये जो है ना, इसमें एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल है। तो मैं एग्जांपल्स की लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, फोल्डर में चला जाता हूँ, और ये वाला जो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है adafruit.py। यहाँ ये अगर मैंने एग्जीक्यूट किया ये प्रोग्राम, और इसकी एग्जीक्यूशन सिर्फ इसी से होती है कि आप इस तरह से लिख दें तो, हाइफन और डॉट, और फिर वो प्रोग्राम का नाम लिख दें, तो ये जो है ना आपको अच्छा, वो कहता है कि पिन नंबर गलत है और इसके साथ पिन नंबर देना भी चाहिए। तो ये हमारा जो वो है 22 है, DHT 22 है, और पिन गालिबन 7 है। तो अभी देखते हैं कि क्या आता है इसमें। हाँ, मैंने कुछ गलत दिया हुआ है, जो कुछ भी है वो कहते हैं GPIO 4 है ये। मैं देखता हूँ इसको, आ गया, टेम्परेचर 29 डिग्री है और ह्यूमिडिटी 38.8% है। ये आप मैंने स्क्रीन गलती से अपनी तरफ कर ली, ये आप अभी देख लें, आप ये दिखा रहा है ह्यूमिडिटी जो है 29% और ह्यूमिडिटी 38.8% और टेम्परेचर 29.9%। ये टेम्परेचर थोड़ी देर में स्टेबल होता है, जब ये सेंसर इसके साथ यूज हो जाता है तो फिर ये टेम्परेचर सही देता है थोड़ा सा गर्मी होने के बाद। और ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये जितनी दफ़ा भी आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये आपको देगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू। अभी देखो, इसने टेम्परेचर 29.5 कर दिया और ह्यूमिडिटी 37.3 कर दी, तो मेजरमेंट इसकी जो है ना जारी रहती है। अब होता क्या है कि हम इसको अब प्रोग्रामिंग करेंगे इस तरह से कि इसको हम एक लूप में डालेंगे, फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर का जो डेटा है वो हम सेव करेंगे, और उसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप मसलन बच्चे जो है ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर उनके हाथ में आ जाए, और उनको आप कहें कि हर घंटे के बाद जो है ना ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर नोट क्या करें, और 24 आवर्स नोट करें,
और फिर उसके बाद ग्राफ बनाए उसका कि टेम्परेचर जो है ना किस तरह से और ह्यूमिडिटी किस तरह से आपस में चेंज होती रहती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब पूरा दिन गुजर जाता है तो कितना फ़र्क आता है उसमें। और ग्राफ से वो ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑब्वियसली नज़र आ जाता है कि कैसे जो है ना वो प्रोफाइल उसका कैसे बना हुआ है। अब हाथ से भी आप ये कर सकते हैं, कागज़ पे भी, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो कागज़ के ऊपर खाने बना दें, बच्चों को कहें कि जब आप टाइम नोट कर दें और प्लस जो है ना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नोट कर दें और ट्रेंड देखें इसका कि ये कैसे जो है ना बढ़ता है 24 आवर्स में, या बेशक पूरा हफ्ता पूरा महीना कभी कभार जो है ना। ये वैसे आपको बता दूं कि इसको कुछ नहीं होता, अगर आपने इसको ऑन छोड़ दिया तो इसको कुछ भी नहीं होगा, और मुख्तलिफ अवकात पे आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नोट करते रहें, बच्चों को कहें कि अब आप बताएं कि कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, कब रहा, दोपहर को रहा कि शाम को रहा कि रात को रहा, और ह्यूमिडिटी बढ़ गई शाम को या कि घट गई, और किस तरह से जो है ना ये बिहेव कर रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स और ओवर ए पीरियड ऑफ वीक और ओवर ए पीरियड ऑफ ए मंथ। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसको आप अगर थोड़े से ज़रा मैच्योर बच्चे हों और वो मैथमेटिकल माइंडेड हों और थोड़ा सा जो है ना और इसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहें, तो इसकी कोडिंग को आप ऐसा बना सकते हैं कि बजाय इसके कि वो यहाँ आपको स्क्रीन पे जो है ना बता दें, तो आप इसको ट्विटर पे भेज दें मसलन, और वो जो है ना ये खुद ब खुद जो है ना यहाँ से ट्विटर पे हर घंटे में या इवन 10-10 मिनट के बाद जो है ना ये भेजता रहेगा, और आप जहाँ कहीं भी हो आप देख सकेंगे, आपको जागने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको इसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, यू विल जस्ट सी इट ऑन ट्विटर ना। और अगर आप जो है ना चाहें तो अपने मोबाइल पे भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहें तो अपने वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसको किसी एक्सेल शीट में जो है ना डाल सकते हैं और फिर वहाँ से इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और मंथ ना और ईयर इवन। तो ये एक क्लाइमेट चेंज इसमें जो आजकल जितनी ज़्यादा वो हो रही है, तो उसमें आपके बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, आपके घर वाले भी शामिल हो सकते हैं, ये मालूम कर लें कि टेम्परेचर में कितना जो है ना वेरिएशन होती है, ह्यूमिडिटी कैसे चेंज होती रहती है। यही सेंसर और यही सेटअप और यही चीज़ जो है ना, ज़रा सा एक एक्सपेरिमेंट और अगर बढ़ जाए इसमें और इसमें हम एक क्वालिटी ऑफ एयर का सेंसर ऐड कर दें, तो ये एक बहुत यूज़फुल टूल बन जाएगा कि आपको एयर पोल्यूशन का जो है ना वो मिलेगा। आप इसको बेशक घर के बाहर लटका दें, मैं कोशिश यही करूँगा कि इसको मैं ऐसे बना दूँ कि ये घर में जो है ना किसी छज्जे के नीचे लटका रहे बाहर, और ये 24 आवर्स बस ऑन हो, और ये जो है ना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और अगर हवा में पार्टिकल्स हैं तो उसके साइजेस जो अक्सर जो है ना मेजर करते हैं, और क्वालिटी ऑफ एयर या अगर कोई गैसेस हैं तो वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें हमने थोड़ी सी मेहनत की और एक दो सेंसर जोर लगा दिए तो ये एक बहुत अच्छा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट बन सकता है। अगर आपने इसको एक्सेल शीट्स वगैरह में डेटा वो कर दिया और आपने मसलन ये प्रोफाइल बना दिया कि टाइम के साथ जो है ना टेम्परेचर कैसे वेरी होता है और ह्यूमिडिटी कैसी वेरी होती है, तो आप के थोड़े से अगर बड़े बच्चे हों और ज़्यादा वो हों तो इनको आप फिट करके इक्वेशंस भी इसके बना सकते हैं, जिसमें से प्रिडिक्शन पॉसिबल हो जाती है कि जो जो डेटा बीच में आपने नहीं मिस किया वो रिकॉर्ड किया हुआ है वो भी उसमें से बाहर आ जाता है। तो ये आजकल जो है ना आजकल के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि दुनिया जहाँ में स्कूलों में और कॉलेजेस में ये हो रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश यही है कि इस किस्म के बच्चे जो है ना एक्सपेरिमेंट्स करते रहें घरों में और एक कल्चर डेवलप हो जाए जिसमें कि इस तरह के काम जो है ना खुद से कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि इसी सेटअप को आगे बढ़ाएं इन पैरेलल टू अदर थिंग्स, यानी मैं और चीज़ें भी करता रहूँगा और साथ साथ इसको भी कभी कभार मैं आपको दिखा दूँगा कि इसमें मैंने फलाना सेंसर ऐड कर दिया, अब मैंने इसको ऐसा कर दिया कि बाहर लटका सकते हैं और इसका जो है ना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी इस तरह की चीज़ें ये मेजर करके या तो किसी सर्वर के ऊपर चढ़ाएगा या आपके मोबाइल पे मिलेगा या जो है ना बेशक ट्विटर पे जाए हमें नज़र आएगा। ये आज की वो थी कहानी थी, और मुझे खुशी होगी अगर इसमें आप कुछ अपना इनपुट डाल दें
हाँ, और वो कर दें, बता दें कि कहाँ पे जो है ना आपको, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप फौरन लिखा करें। मुझे तो थोड़ी सी थोड़ा सा दुख हुआ था कि जब मैंने ये ग्रुप बनाया था तो इसमें 2 दिनों में 80 के करीब लोग आ गए, और अब जब मैं देखता हूँ तो 10-12 लोग सिर्फ देखते रहते हैं और फिर एक दो सिर्फ बोलते रहते हैं, तो पता नहीं है बाकी लोग कहाँ गए। तो मुझे मदद की ज़रूरत है। मैं चूंकि ये मैं तो शुगल के लिए कर रहा हूँ, और इस शुगल में जो शामिल होना चाहें और जो एक्सपर्ट्स हैं तो वो ज़रा आएँ और थोड़ा सा जो है ना कुछ शेयर करें, वो भी वीडियोस रिकॉर्ड करके इसी ग्रुप में डाल दें या लाइव स्ट्रीम कर दें, और या अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है तो वो ले आएँ ताकि हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ एक दो सेशन ऐसे होने चाहिए जिसमें इस किस्म के प्रोजेक्ट्स डिस्कस हों जो कि रसबरी पाई या अडवीनो से हो सकते हों। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में अरवीनो को भी करूँगा, और उसका भी वो बहुत चीप है तो वो उसमें ज़रा लोग ज़्यादातर जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं। रसबेरी पाई में थोड़ा सा एक्सपेंसिव इन्वॉल्व है। मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर आप बच्चों को ईद पे गिफ्ट देना चाहते हैं तो रसबेरी पाई दे दें, और मेरी ये भी ख्वाहिश होगी कि अगर कोई बाहर लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और वो बच्चे को कोई गिफ्ट भेजना चाहते हैं तो बाहर ये रसबेरी पाई बहुत सस्ती भी मिलती है, तो मेहरबानी करके एक रसबरी पाई भेज दें बजाय इसके कि आप ऐसे ही इधर उधर की चीज़ें भेजते रहते हैं। तो बच्चों को जो है ना ज़रूर ऐसे टूल्स दें जो उनके साथ खेल सकें और वो साइंस में उनके साथ वो कर सकें, मतलब है कि उनकी साइंटिफिक हो जी ऑब्जर्वेशन वगैरह हो सब में। अब ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसमें बच्चों को अगर आपने इन्वॉल्व किया तो दे विल रियली टेक इट टू द एक्सट्रीम। शुक्रिया बहुत बहुत, और अगर कोई कोताही हुई हो जो होती रहती है मुझसे जो है ना, मैं मल्टीपल स्क्रीन्स और मल्टीपल कैमरे और इस तरह के इस उम्र में ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह वो करेंगे आइंदा के लिए भी इस तरह जारी रखेंगे इस शुक्र।